तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सर। आप देखें यूनिक सोच। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, उसे बनाएंगे कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? चलो। तो दोस्तों, मैंने इसे कैसे बनाया है, मैंने सिंपली क्या रखा है, दोस्तों दो सिरिंज ले रखी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है? तो दोस्तों, ये सिरिंज मैंने इसलिए लिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये पाइप, ठीक है? इसी से हमारा एलपीजी गैस आएगा इसके अंदर, ठीक है? तो जब हम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा। अभी तो ये दोस्तों बंद कर रखा है मैंने, ठीक है? जब मैं इसे खींचता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं खींचता हूँ तो दोस्तों ये है, ओपन हो जाता है, ठीक है? तो ओपन होने के बाद क्या होता है, और इसमें से एलपीजी गैस जाती है ऐसे, और ऐसे जाते 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 यहाँ पे निकलती है, अगर हम इस नोजल को निकाल देते हैं तो, ठीक है? तो यहाँ से एलपीजी गैस निकलती है। और दोस्तों, ये रहा हमारा लाइटर, ठीक है? जैसे हम लाइटर जलाते हैं, एलपीजी गैस यहाँ से निकलती है और जल जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने गन बना रखी है। और दोस्तों, ये हैंडल है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हैंडल मैंने इसी के सीरीन से बना रखा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों, जैसे मुझे एलपीजी गैस बंद करनी हो, जैसे कि यहाँ से एलपीजी गैस आ रही है, अगर मुझे बंद करनी हो दोस्तों, मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से ले आता हूँ और इन दोनों के बीच में इसको लगा देता हूँ, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच में आती ये लॉक हो जाती है, ठीक है? तो पूरा गन मैंने इसी तरीके से बना रखा है। तो चलो जला के दिखाता हूँ एलपीजी गैस में लगा के, ठीक है? चलो दोस्तों, मैंने पाइप यहाँ पे जॉइंट कर दिया, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? मैंने पाइप को जॉइंट कर दिया है, और चलो अब मैं आपको जला के दिखाता हूँ, ठीक है? चलो। दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें से आग निकल रही है, ठीक है? अगर दोस्तों मुझे बंद करना होगा तो दोस्तों मैं सिंपली इस सीरिंज को आगे करूंगा, ठीक है? जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बंद होने वाला होगा, ठीक है? ये देखो बंद हो गया। तो ऐसे आप बंद कर सकते हो, आपको दिखाई दिया? तो इस तरीके से सीरिंज को हम आगे पीछे करके इसके एलपीजी गैस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? अब चलो मैं फिर से लाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं इसे पीछे खींच रहा हूँ, ठीक है? अब पीछे खींचने के बाद देखो क्या होता है, इसमें से गैस निकलने की आवाज आ रही होगी आपको, ये देखो जल गया। तो दोस्तों, हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हम इसे आगे करेंगे तो दोस्तों ये बंद हो जाएगा, ठीक है? और हम इसे पीछे करेंगे तो दोस्तों ये चालू हो जाएगा। चलो मैं आपको एक बार और बंद करके दिखाता हूँ, दिखाई दिया आपको? तो इस तरीके से आप एक गन बना सकते हो। चलो मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। दोस्तों, ये रही हमारी फायर गन, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बताना। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं तो नहीं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? बाय बाय, जय हिंद।